रिसेंटली मैंने सिटी हाउसिंग खारियाँ कमर्शियल को लेकर लाहौर स्मार्ट कमर्शियल को लेकर एक वीडियो बनाई थी जिस पर एक मेंबर ने सवाल किया था कि आप हमेशा लाहौर स्मार्ट और कैपिटल स्मार्टी को हाइप देते दे रहते हैं क्योंकि आप उसके लिए काम करते हैं उसके डीलर हैं आप है, सेल्स पार्टनर है तो उसको सिर्फ हाइप देते दे रहते हैं तो इस वीडियो में उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा कि मैंने वीडियो में जो पॉइंट हाईलाइट किया था वो किसी सोसाइटी का नहीं था वो स्पेसिफिकली सोसाइटी की लोकेशन का था मैंने सिटी हाउसिंग की लोकेशन को भी इवन दो मैंने उसने जिक्र किया था कि सिटी हाउसिंग के पास में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट छः सात प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है और दूसरे में लाहौर स्मार्टी को बताया था कि लाहौर स्मार्ट और कैपिटल स्मार्ट के पास में इस डिवेलपर का कोई अपना ज़ाती डिलीवर्ड प्रोजेक्ट नहीं है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है जो सोसाइटी ने यानी कि एच एल तरफ से किए गए डी एच बैरिया यानी के प्रोजेक्ट है वो एक रिकॉर्ड पे है लेकिन सोसाइटी का का अपना जाती हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है तो उसके बावजूद मैंने कहा था कि आप लाहौर स्मार्ट प्रोडक्ट बाय करें ना कि किसी और प्रोजेक्ट में उसकी रीजन मैंने दी थी लोकेशन अब मैं आपको इस पॉइंट को जरा डिटेल एक्सप्लेन करने को कोई भी इंडिविजुअल होता है जब आप लट्स से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अगर आपको रेंट पे घर लेना है या शॉप लेनी है या आपको कोई भी अपार्टमेंट लेना है या आपको ऑफिस लेना है आपकी प्रेफरेंस क्या होगी आपकी प्रेफरेंस हमेशा वो जगह होती है जहाँ से आपको इजी एक्सेसिबिलिटी मिलती हो जो भी आपकी जॉब है या जो भी आपका बिजनेस है जो भी आपकी रेजिडेंस है उससे आप जहां भी आपने कम्यूट करना है वहां से आपको ईजी एक्सेस मिलती हो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था जिसको आसान अल्फाज में एक लफ्स में कहा जाए तो लोकेशन अब लोकेशन के लिहाज से लाहौर स्मार्टी की जो लोकेशन है वो कंपैरिजन किसी और सोसाइटी से नहीं कर सकते रीज़न उसकी मैंने दी थी कि चार पब्लिक रोड की एक्सेस है यानी पाकिस्तान की जो चार फ्लैगशिप रोड हैं जो पाकिस्तान की सबसे चार बेहतरीन रोड हैं चारों से एक्सेस है ग्रैंड ट्रंक रोड एन एच आपकी जे रोड लाहौर स्मार्टी की एक साइड पर आती है अगर देखा जाए तो उसके ईस्ट साइड पे आती है अगर इसके ऊपर ऊपरली साइड पे देखा जाए नॉर्थ साइड पे तो उसके आता है लाहौर ईस्टर्न बाईपास इसके लेफ्ट साइड पे देखा जाए वेस्ट साइड पे तो लाहौर एम इलेवन लाहौर सयालकोट मोटरवे वो लगती है और एक लाहौर इस्लाम मोटरवे जो तकरीबन दो मिनट के ड्राइव पे है जो आपको ईजीली कम्यूट करने से आसानी होती है तो ये मैंने रीज़न दिए थे कि लाहौर स्मार्टी में इवन तो आपको पचास लाख ऑन देकर भी कमर्शियल बाय करना पड़े तो आप उसमें कमर्शियल बाय करें क्योंकि फ्यूचर में जाकर उस प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी ऑन अदर साइड अगर लोकेशन आपके पास नहीं है आप सोसाइटी इवन दो कि सिटी हाउसिंग के पास में पाँच छः सात प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं और बहुत आउट क्लास डिलीवर्ड हैं उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है बट पॉइंट इज के सिटी हाउसिंग की लोकेशन को आप लाहौर स्मार्टी की लोकेशन से सिटी हाउसिंग खारियाँ की लोकेशन को लाहौर स्मार्टी की लोकेशन से आप कंपेयर नहीं कर सकते अब जितनी अच्छी कंपेरिजन देखें तो आप हमेशा लोकेशन का कंपेरिजन करते हैं क्योंकि फ्यूचर में जाकर आपकी वैल्यू जो प्रोडक्ट की होती है वो लोकेशन की होती है ना कि आपके किसी भी अच्छे डिलीवरेंस की लोकेशन अगर आपको मैं एक करोड़ का प्लाट दूँ आपको मैं इन द मडल ऑफ नो वेयर दे दूँ यानी कि आपको मैं डेजर्ट के बीच में प्लॉट दे दूँ और उसको मैं बहुत अच्छा डिलीवर भी करता दूँ बहुत अच्छा बना भी दूँ एनी केस आपको वहाँ से जहाँ भी कम्यूट करना है ना तो आपको उसमें डिफिकल्टी आएगी तो आप उसको प्रेफर कभी भी नहीं करते ना कोई ना आप करते हैं ना कोई और इंडिविजुअल प्रेफर करता है रीजन इज कि आप हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी से नियर बाय जो आपकी नज़दीकी जगह है वहाँ पर कम्यूट करना इतना आसान है तो लाहौर स्मार्टी की लोकेशन बाकी पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी को देख लें तो सबसे अच्छी लोकेशन है इवन दो तो मैं काउंट करता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन से भी बेहतर है इवन दो तो किसी ने स्मार्ट सिटी में अगर एंटर होना है कैपिटल स्मार्ट सिटी में यानी दारुल दारकूमत इस्लाबाद में एंटर होना है तो यानी केस उसने कैप्टल स्मार्टी से गुजर नहीं है वो उड़ के गुजरे वो रिड़ के गुजरे वो पैदल गुजरे जैसे भी गुजरे उसने लाहौर स्मार्ट सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी को तो क्रॉस करना ही है तो सेम गो फॉर प्रदेश से लाहौर स्मार्टी की लोकेशन जो है सबसे आउट क्लास लोकेशन है उसका कंपैरिजन आप किसी और सोसाइटी से नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम लोकेशन की कोई नेबल बदल नहीं होता सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको लाहौर स्मार्ट या कैपिटल स्मार्ट स्मार्टियाँ बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे वाट्सअप कर सकते हैं इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़